Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सोमेन घोष फिर से प्रेजेंट हो गया. फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं. छोटा सा वीडियो है और उस वीडियो को जो है हम लोग अपनी इस वीडियो के साथ ऐड करेंगे. और वो वीडियो किसका है मैं आपको ये भी बता दूँ. फ्रेंड्स, हमने जो सेकेंड गिव अवे कॉन्टेस्ट किया था और उसके जो विनर थे मयूरेश नंदा. जी हाँ फ्रेंड्स, यही एक छोटा सा बच्चा जो है 13 साल का बच्चा, उसने जीता था और सेकंड गिव अवे कॉन्टेस्ट को. तो उनको हम लोगों ने फ्रेंड्स एक पतंगों का बैग दिया था और 100 काइट्स दिया था और एक मांझे की चरखी दी थी. इस तरह का पतंग का बैग दिया था जैसे ये रखा हुआ है. ये तो थर्ड गिव अवे कॉन्टेस्ट के लिए है. तो आप ये देख सकते हैं, ये बैग जो है थर्ड गिव अवे कॉन्टेस्ट के लिए है. हम लोग बहुत जल्दी जो है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं क्योंकि अभी हमारे पास पतंग और मांझा नहीं आया है. क्योंकि जो पतंग और मांझा जो है थर्ड गिव अवे कॉन्टेस्ट के लिए आना है वो अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है. तो हम लोग उसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो पतंग और मांझा हमारे को आ जाए तो हम उस गिव अवे कॉन्टेस्ट को स्टार्ट करें. तो फ्रेंड्स, मैं ये कह रहा था कि जो हमने जो गिव अवे किया था मयूरेश नंदा को, तो वो एक छोटा सा बालक, छोटा सा बच्चा उसने जीता. तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो कहने लगे, अंकल ऐसे बंदे को पतंग मिल गया, मांझा मिल गया, इतना अच्छे क्वालिटी का पतंग मांझा मिला जिसको शायद ठीक से नहीं उड़ाना आता है. तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा. ये जो कॉन्टेस्ट है ये सबके लिए ओपन है. चाहे उसको पतंग उड़ाना आता है, चाहे नहीं आता है, चाहे बहुत अच्छा उड़ाना आता है, चाहे बिल्कुल भी अच्छा नहीं उड़ाना आता है, चाहे लेडीज़ है, चाहे जेंट्स है, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, गाँव का है, शहर का है, मेरे को सब बातों से नहीं लेना है. सिर्फ वो जो है कि उसने जीता, यही एक सबसे बड़ी खुशी की बात होती है. वो कहीं का भी रहने वाला हो, चाहे वो किसी जगह भी रह रहा हो, मेरे को इन सब चीज़ से नहीं मतलब है. लेकिन हमने सबके लिए ओपन किया हुआ था और ये एक ओपन गेम था. इस ओपन गेम में जो भी जीतेगा, चाहे वो लेडीज ही क्यों ना जीत जाए जिसको ज़रा भी पतंग उड़ाना नहीं आता हो, अपनी ज़िंदगी में कभी पतंग देखा भी नहीं हो उसने और नहीं उड़ाया हो, तो वो भी अगर जीत जाएगा तो हमको वो गिव अवे कॉन्टेस्ट का जो प्राइज़ है वो देना पड़ेगा. क्योंकि ये हमारा वादा है, ये हमारी तरफ से वादा है कि आप जब जीतोगे तो हम आपको देंगे. चाहे आप उड़ाना आता है, चाहे नहीं आता है पतंग, उससे हमको लेना देना नहीं है. तो प्लीज़, इसलिए मैं कहूँगा आप लोग माइंड मत करिएगा. अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि ये गिव अवे कॉन्टेस्ट कैसा है. ये हमारा जो हमारे चैनल में जो गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है ये बहुत बहुत ज़्यादा फनी है. जो मेरे फ्रेंड्स हैं मेरा तो बहुत मजाक उड़ा रहे, कहते हैं यार ऐसा गिव अवे कॉन्टेस्ट हमने नहीं देखा कि तुम पतंग आसमान में उड़ा दे रहे हो, उसके अंदर से इतनी सारी पतंग निकाल दे रहे हो. जब पतंग उड़ करके जा रही है तो पतंग अकेले जा रही है, उसमें से इतनी सारी पतंग निकल करके आसमान में उड़ने लग जा रही है, फिर उसके अंदर से पतंग भी निकल रहा, अंडा भी गिर रहा है, उसका पूंछ भी बड़ा हो रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं यार. कह रहे कि इतना ये टफ़ है, इतना टफ़ तो जो है हमने 10th और 12th का और ग्रेजुएशन के लिए जो हमने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी एग्ज़ाम में इतने टफ़ क्वेश्चन नहीं पूछे गए जितना टफ़ क्वेश्चन तुमने पूछा. फ्रेंड्स, ये तो एक फ़न है, ये तो हंसी मजाक है, हम लोगों का तो चल रहा है. कोई जीत रहा है, कोई नहीं जीत पा रहा है. अब हजारों लाखों आदमी खेल रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही जीत रहा है और जितना भी एक को ही है. क्योंकि हमने इस चीज़ को एकदम क्लियरली बोला हुआ है कि सिर्फ एक ही आदमी को मिलेगा जो जीतेगा. और फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊँ, जो ये वीडियो है ये 13 अगस्त का है, लेकिन वीडियो अपलोडिंग लेट हो रहा है. उसका वजह मैं आपको बता दूँ, क्योंकि हमारे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है और इतने सारे वीडियोज़ वगैरह बन रहे हैं, प्लस मेरा अपना काम भी, अपना बिजनेस भी है, उसको भी देखना होता है. लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल करके बहुत भागा दौड़ी कर लेता हूँ. और चलिए, आप फटाफट वीडियो देखिए, फिर उसके बाद जो है हम लोग बाद में बात करते हैं. हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयूरेश है और मैंने काइट ट्रायल समर कोर्स करके उसमें पार्टिसिपेट किया था और कॉन्टेस्ट का मैं विनर था. तो सर ने मुझे इस बैग में 100 काइट्स और ये 6 हिल कॉटन थ्रेड का हो दिया है. जबकि ये तो कॉन्टेस्ट हुआ था, ये 10 अगस्त 2021 को हुआ था और उसके रिजल्ट आज आया नहीं 13 अगस्त को, और उसी के दिन मैंने ये रिसीव कर लिया है शाम को. तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो अब देखते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या दिया है. तो भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा बड़ा थैला है और इसमें अंकल ने मुझे एक टेप की ये दिए रोल, 2 इंडियन फ्लैग्स दिए हमारी कंट्री के, ये दे, और अंकल ने मुझे इसमें तिरंगे दिए हैं शुरू में कुछ, और ये हमारी 15 अगस्त डे की वो दी है जो कि हर कोई 15 अगस्त को ही उड़ाएगा. और ये कुछ सर ने तिरंगे दिए, बट ये बहुत यूनिक डिज़ाइन के हैं,
तो भाई सर ने कुछ इतनी पतंगे 100 काइट्स दी है मेरे को, ये सारी आप देख सकते हो कैसी है। चले वो आए, इतनी सारी दी है सर ने। और एक सर ने ये दिया है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। बहुत भारी है ये, तो गाइस आप देख सकते हो कितना ज्यादा मतलब धार का बन जाए है, मतलब एकदम इससे किसी का हाथ वाट नहीं कटेगा ना ही गला कटेगा, पर ये पतंग को काट देगा इतना, तो बहुत अच्छा बन जाती है सर ने। तो मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने ऐसे गिव अवे रखे, और भी गिव अवे रखे जिससे बहुत से लोग और भी जीत सके। ऐसे भी पहले भी सर ने किसी को दिया था, एक भाई को, तो थैंक यू सर। तो दोस्तों आप लोग सर के चैनल को सब्सक्राइब करो और उनकी हर वीडियो को देखो, सर इन काइट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, उनकी हर वीडियो पे जाके कमेंट करो, अच्छे अच्छे लाइक करो। जय हिंद, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने ये वीडियो देखा, आपको वीडियो कैसा लगा, और जो मयूरेश नंदा जी को जो पतंग मांझा और पतंगों का बैग मिला है वो भी आप लोगों ने देख लिया वीडियो के अंदर। और हम उनको इसलिए वीडियो बना करके भेजने के लिए कहते हैं, अपने जो विनर्स होते हैं कॉन्टेस्ट के, जो विनर्स होते हैं उसको इसलिए कहा जाता है ताकि वो लोग जो हैं हमारे सब्सक्राइबर्स को, जितने भी सब्सक्राइबर्स ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड फैले हुए हैं, सबको ये पता चले कि ये गिव अवे कॉन्टेस्ट में जो विनर है उसको प्रॉपरली जो है जो भी गिफ्ट वगैरह हम लोग जो कह रहे हैं और वो दे रहे हैं, ये नहीं कि हमने कहा कुछ और किया कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे चैनल के अंदर ऐसा नहीं होता है। और आप लोग ये भी मत सोचिएगा कि गिव अवे कॉन्टेस्ट वगैरह जो हम लोग कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ हेरा फेरी कुछ गड़बड़, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इवन आपको मैं एक बात बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो है हम लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग नहीं, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ इसका आंसर सिर्फ मेरे पास ही होता है। मैं ये इतना सीक्रेट रखता हूँ कि इसका जो क्वेश्चन को जो आंसर होता है, क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो सिर्फ मेरे तक ही रहता है। यानी जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसके बाद जब 3-4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद उसका आंसर दिया जाता है तो वो आंसर जो है तब जा कर के पब्लिकली वो खुलता है, जब आंसर को मैं बता देता हूँ कि हाँ ये आंसर था और फलाना फलाना बंदा इसका विनर है। और आप लोग इस चीज़ को कभी भी मत सोचिएगा जीतने वाला हमारा कोई रिश्तेदार है या फैमिली फ्रेंड है या ऐसा कुछ भी, अपने दिमाग में मत आने दीजिएगा, अपने दिल के अंदर ऐसी बातें नहीं आने दीजिएगा। मेरा आत्मा जो है ना अभी भी जिंदा है, मेरा आत्मा मरा नहीं है। जब मेरा आत्मा मर जाएगा ना तो फिर मैं हेरा फेरी स्टार्ट करूँगा, लेकिन जब तक मेरी आत्मा जिंदा है ना तो इस तरह की ऑनेस्टी रहेगी हमारे चैनल के अंदर। और जो गिव अवे कॉन्टेस्ट हो रहा है उसका जो विनर होगा कहीं का भी हो, चाहे गांव का हो, आपका शहर का हो, चाहे किसी ट्राइबल एरिया का हो यानी आदिवासी बहुल क्षेत्र का हो, किसी भी जगह का हो, कोई भी जीत जाए हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, बस वो हमारा सब्सक्राइबर होना चाहिए। और चाहे सब्सक्राइबर नहीं भी है, चाहे ऐसे ही उड़ता भी हुआ पंछी आ गया हो ना हमारे चैनल को देखने के लिए, वो खेलेगा वो भी जीत जाएगा तो भी मैं दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत जल्दी जो है थर्ड गिव अवे कॉन्टेस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके लिए पतंग और मांझे का अरेंजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि एक ग्रेट पतंग और एक ग्रेट मांझा ही देने का मेरा जो है मकसद है। बैग तो आ गया मेरे पास, खाली डिब्बा तो आ गया कई सारे, लेकिन अभी पतंग मांझे का अरेंजमेंट करूँगा तभी उस गिव अवे कॉन्टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, और बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।